रेडी हो चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मुझे ये लुक सही नहीं लग रहा, तो चले कुछ अपना हेयर स्टाइल चेंज करते, क्योंकि ये तो ऐसे नॉर्मल सा ही हो गया। तो मैं अब कुछ और देखती हूँ। बनाई थी भाई मेरे बाल, मेरे बम फट गया, ये देखें बिल्कुल कुछ डिजाइन बन ही नहीं रहा, और मुझे चोट भी लग गई जो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसकी वजह से मैं कुछ स्टाइल नहीं बना सक रही है, मुझे कट लग गया है। तो मम्मा से कहते हैं कि मुझे पोनी टेल कर दें। मैंने मम्मा से जो है पोनी टेल बनवा ली है, और जब बालों का बम फटा हुआ था वो भी छुप गया है। तब चलते आगे की ब्लॉगिंग की तरह। तेरी बने जो है मेरी पिन से चुरा ली है, और मेरे पास लगाने के लिए कुछ नहीं ढूंढने में लगी हुई, और ये ब्रांड मुझे मिला जो कि मैं भी ये नहीं लगाऊंगी, मुझे भाई पिन से चाहिए जो आप तेरी बने गुम कर दिए। देखिए ये इधर जहाँ पड़ी हुई है मेरी पिंस, और मैं ढूंढ रही थी कहाँ कहाँ, तो चले इन्हें लगाते हैं। मैंने अपनी पिंस जो है बराबर बराबर लगा ली हैं, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। चले अब चलते हैं अपनी ब्लॉगिंग की तरफ। ये आ चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ तैयारी आप वगैरह की कार्ड, और वो ऊपर आ चुके हैं, और मैं दिखाती हूँ कि क्या तैयारी करनी है हमने। देखें इधर बना हुआ हमारा चिकन, कितना प्यारा इसका कलर आया हुआ, तो इसे बंद कर देते हैं। ये हमारी कोक, ये इसको यहाँ रख देते हैं हम लोग। आप ही मार लाई है गिफ्ट, और ये है केक मार लिया, और ये आप ही ने दिया हमें गिफ्ट। बना रही थी चाय, अब वो चली गई नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज का टाइम जा रहा था। हमारा छोटा सा मतलब जो है नमाज पढ़ रही हैं, और मैं लेने आई हूँ मम्मा की तस्बीह, तब खड़ा दिया था कि आप एक बार आराम से नमाज पढ़ सकें। कपड़े चेंज कर लिए, और आप ही पहने ये ब्लू कलर का और वाइट कलर का ट्रैक सूट, और आप इसमें बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही हैं। और इधर देखिए ये हमारा केक जो आ चुका है, तो अभी हम इसे कट करते हैं, क्योंकि ये जो मेल्ट हो रहा है, गर्मी हो रही है, तो अभी हम इसे कट कर लेते हैं। और ये पूरा ही चॉकलेटी केक है, जो कि मेरा फेवरेट केक है। और इधर देखिए आप ही जो है केक के स्लाइस कर लिए आप ही ने, और ये पहला पहला स्लाइस, सेकंड वाला स्लाइस आप अरीबा के पास जा रहे हैं, और आप अरीबा का मुँह देखे कितना खुश हो रही है आप अरीबा। और मेरा केक भी आ चुका है, और सबने खाना शुरू कर दिया है। और इधर मम्मा का ये वाला केक भी आ गया, क्योंकि मम्मा जो है इतना मीठा नहीं खा सकती, क्योंकि पूरा चॉकलेटी था और इतना मीठा था, तो मम्मा ने ये वाला नॉर्मल केक भी खाया और थोड़ा सा, और वो वाला केक भी खा लिया है। तो अब हम आए थे आप ही के साथ रेस्टोरेंट में ये वाला जो है पुलाव खाने के लिए। ये आ गया हमारा पुलाव, अभी हमारी एक और डिश जो है वो आनी है, हम वेट कर रहे हैं। और अब हम खाएंगे रात को ये मैक्रोनी, जो कि आप ही ने बनाए हैं आप ही के लिए। और ये देखिए कितने अच्छे बने हैं केचप वाले, और ये इनमें से धुआं भी आ रहा है। और आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।